है बीत गया कब का है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। हिप हिप हुर्रे, आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के हंसी फ्री पीरियड में अलीशा और मैं चिल आउट कर रहे थे। I quite like her. तभी भोलू दादा मिले। तफे, तुमने मंजीत को इधर से जाते देखा? कुछ परेशान लग रहे थे। कॉमन रूम में समायथा ने बताया कि उसकी फीस के पैसे फिर चोरी हो गए थे, इसलिए इस बार मैंने आर्ट क्लास में स्टिल लाइफ पॉट में रखे हैं। Enough was enough. हमने चोर को पकड़ने का प्लान बनाया। राघव और मेहुल क्लासरूम में छुपे हैं, हम लोग यहाँ आर्ट क्लास में, अब चोर जरूर पकड़ा जाएगा। I almost wish we hadn't found out. अपना मंजीत। मंजीत? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। राघव couldn't take it. बोलो, say something, damn it. We couldn't take it. हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि मंजीत को ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या थी। विनी और अलकनंदा मैम ने उसे बात करने की कोशिश की। मंजीत, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम को हम समझे। फिर पता नहीं क्या हुआ। It could be only one thing, Rafe? Love at first sight. What do you girls find so fascinating about these cheap romances here? And what do you find so fascinating about a Playboy magazine that I saw in your bag the other day? Wow, Rafe, hum sabko aisa literature padhna chahiye. What rubbish! Woh aisi magazines kabhi nahi padhta. Acha, tujhe kaise pata? Don't try to defend him just because you've got a crush on him, okay? Tum uski girlfriend lagti ho kya? जॉन ट्री कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अरे यार बहुत है। बिल्कुल अपनी अलग नंदा मैडम होनी में से अपना बस करो तुम लोग। Has anybody noticed कि मंजीत ने अभी तक एडमिट नहीं किया है कि उसी ने हमारे पैसे चुराए हैं? अरे यार उसके तो गर्लफ्रेंड मिलने के चांसेस गुल। जॉन अभी नहीं। नो 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 बट सीरियसली आई थिंक वी शुड टॉक टू हिम। मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है यार। मुझे भी नहीं खाना है। वन बिस्किट और इतना बड़ा पीस ऑफ सैंडविच। जस्ट चीटिंग है। क्या खाया तुमने बिस्किट? हाय गाइस। I'm like quite focused. मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। चल यार किधर और जाके गाते। गाइस प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पे। सैम तुम्हारे पास पैसे है ना? चलो जाके आइसक्रीम खाएं। क्या पता कब पैसे गुम हो जाए। साइरस लेट्स गो प्ले चोर पुलिस। You know Mehul, मुझे notice board पर notice लगाना है। Come and help me. चल। Bye Raga. Come on, Cyrus!
Why doesn't he admit it, यार? राघव तो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है? बात करने से कुछ नहीं होगा यार. उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए यार. Just ignore it, यार. Let's leave. चलो. अरे चलो यार फिर से कैंटीन जाते हैं, मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है. तुझे कहीं भूख नहीं भी लगती है क्या? कि ज्यादा खाने के बाद वापस भूख लग जाती है. साइरस चुप बैठ यार. Hey guys, here's मंजीत. मंजीत? Who मंजीत? Remember guys, we don't know any मंजीत. मैं तो अभी भी शॉक में हूँ. अपने दोस्तों की चीजें ऐसे कोई कैसे चुरा सकता है यार? He's really too much. चल यार क्लास में जाते हैं, कैंटीन बाद में जाएंगे. क्यों यार, हम क्यों डरे किसी से? चोरों से जितना डरेंगे ना उतना ही सर पे चढ़ेंगे. पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं इसके, मुझे लगता है सारा खानदान ही ऐसा होगा. चलिए क्लास में चलते हैं. एंड लेट्स चेक, पता नहीं कहां हाथ साफ कर लिया हो. लेट्स गो मेबल फॉर आई किल समबडी. गाइस तू पीछा क्यों कर रहा है हमारा? अगर थोड़ी भी शर्म बची है ना तो स्कूल छोड़ दे, शांति मिलेगी हम सबको. क्यों किया यार उसने? No, it's okay. I'm sorry to disturb you all. But I won't waste your time. सैम कहाँ है? ये रहे सैम के सारे स्कूल के फीस के पैसे जो मैंने चोरी किए थे. Just give it to her. किरण, शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन तुम्हारे पेंसिल बॉक्स से भी कुछ पैसे मैंने चुराए थे. कितने थे? I'm sorry, I don't remember. Just take it. मोना, this is your money. Yeah, take it. और किसी का कुछ रह तो नहीं गया ना? राफे, yes. ये रहे पपी फंड के सारे पैसे जो मेरे पास जमा थे और खर्च भी हो चुके थे. Take it. Take it easy, मंजी. तो it's okay, take it, राफे. Take it, man. आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसे एक साथ मेरे पास कहां से आए, राइट? Damn it! अपने डैड के वॉलेट से चुराए मैंने, अपने डैड के वॉलेट से निकाले मैंने. राघव, यू आर राइट. आई एम अ क्रूक, अ लायर, अ थीफ. नो, आई एम अ ब्लडी थीफ. मुझे किसी की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड एनी वन ऑफ योर. नहीं चाहिए मुझे कोई दोस्त. गॉट इट? नहीं चाहिए मुझे कोई दोस्त. राघव, it's okay. It's not okay. ये सब एक ढोंग है. It's all a big farce. राघव कोई क्या कर सकता है? What can you do about it? मोना तुम्हें पता है हम दोनों एक साथ डिनोबली आए थे, इतने छोटे छोटे से थे. We didn't even know how to tie our shoelaces. राघव, I understand completely. एकदम से क्या हो गया? We were the best of friends. क्या बड़े हो जाने के बाद यही सब होता है मोना? एक दूसरे के नाम की कसम खाते थे हम दोनों, एक एक रुपया कहाँ खर्चा करते थे. We used to tell each other everything. तब हम बच्चे थे ना, अब बड़े हो चुके हैं. चोरी करना आ गया हमें, झूठ बोलना आ गया है, दोस्ती के नाम पर थूकना आ गया है हमें. No, Raghav, it's not that. It's gonna be okay, Raghav. It's okay. मजीद, क्या हुआ?
कमजोर नहीं था मिस्टर कपूर, स्टडीज में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में वो हमेशा एक्टिव रहता था। बस हाल ही में कुछ समय से वो कुछ अजीब सा मूडी सा रहता था। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि कहाँ कमी रह गई मुझसे उसके परवरिश में। उसके माँ के मरने के बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसको। मिस्टर कपूर, यू बीन अ वेरी गुड फादर। ये बात हम ही नहीं, मंजीत भी जानता है। यू हैव ब्रॉट अप बोथ योर किड्स वेरी वेल। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे पहुंच के बाहर है, हमारा उन पर कोई वश नहीं। अब मंजीत को ही लीजिए ना, सारा दिन तो उसका स्कूल में कटता था, सारी रात घर में, शाम के कुछ घंटे हैं जो वो अपने दोस्तों के साथ बिताता था। अब हम अपने बच्चों के साथ 24 घंटे तो गुजार नहीं सकते, उन्हें हर कदम पे सीख तो नहीं दे सकते, उन्हें गलती करके सीखने का मौका भी तो देना चाहिए। लेकिन ऐसी गलती मैडम, ऐसी गलती जो आपकी जिंदगी पर ही भारी पड़े, सिखाते सिखाते बहुत देर कर देती है। इसीलिए तो ये जिंदगी है मिस्टर कपूर, कोई साइंस प्रोजेक्ट या फॉर्मूला नहीं। सारी चीजें हम चाहे भी तो पहले से माप तो नहीं सकते। ये जितनी अनिश्चित है, जितनी अनसर्टन है, उतनी ही जिंदगी है। अब देखिए ना, इससे हम भी तो कुछ सीख रहे हैं। शायद आप ठीक कहती, मंजीत की हालत सिर्फ उसके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी एक लेसन। डॉक्टर्स ने क्या कहा है? उसे एक वीक के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है, शायद उसके पहले ही उसे छोड़ दें। उसकी क्लेंजिंग प्रोसेस शुरू है। अब रिहैबिलिटेशन सेंटर में कितने महीने लगेंगे ये तो मंजीत पर ही डिपेंड करता है। आई स्टिल होप हिस इज स्टिल अ माइनर केस। और उसके बाद? वही तो आपसे डिस्कस करने आया हूँ मिसेस रॉड्रिक्स। मंजीत 12th में है, ये उसके स्कूल का फाइनल ईयर है। और मंजीत इज अ गुड स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि एक बार ठीक हो जाने के बाद उसे कोप अप करने में कोई तकलीफ होगी। यस, ही विल हैव टू लूज आउट ऑन अ ईयर। स्कूल की तरफ से पूरी कोऑपरेशन होगी, डोंट वरी मिस्टर कपूर। चिंता मुझे स्कूल की नहीं है मैडम, स्कूल के बाहर की है। मंजीत जब हॉस्पिटल से घर आएगा तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके सर पर मंडराता रहूं लाइक अ पुलिसमैन। मैं मंजीत के मेंटल स्ट्रेंथ को कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो खुद अपने आप रिकवर हो। ये तो अच्छी बात है। मैडम, मैं ये शहर छोड़ना चाहता हूं। आयुष? जी हां, कल की कई यादें इस शहर में जुड़ी, मैं उन्हें भुलाना नहीं चाहता, बस आने वाले कल की यादों को संवारना चाहता हूं। मैंने उसकी मां को इस शहर में खोया है, अब उसे खोना नहीं चाहता। मिस्टर कपूर, हमसे जो बनेगा आप बेझिझक कहिए, मंजीत हमारी भी जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स मैम, प्लीज बी इन टच। राघव कहाँ रह गया? वो मंजीत के डैड के साथ अभी तक हॉस्पिटल में है। उसके डैड को कुछ पता था? जब सारा दिन साथ रह गए तुम लोगों को पता नहीं चला तो पेरेंट्स को कैसे पता चलता? अब वो कैसे है सर? He is much better now. उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। अच्छी बात तो ये है कि ये आदत ज़्यादा पुरानी नहीं है उसकी, वरना बहुत परेशानी होगी। हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा सर, कब वो ड्रग्स लेता था कब नहीं। बहुत अजीब बिहेव करने लगा था। राघव उसकी हमेशा बहस होती थी, वो प्रैक्टिस पे नहीं आता और राघव से बहुत चिल्लाता था। हम लोग के साथ उसने खेलना भी बंद कर दिया। मीरा कह रही थी कि उसने उसे कुछ आवारा लड़कों के साथ मारपीट करते हुए देखा और जब वो वहाँ पहुंची तो मंजीत ने कहा कि वो उसके दोस्त हैं। हाँ, मंजीत कह रहा था कि वो कॉलेज में पढ़ते हैं एंड दे आर वेरी कूल। हाँ, मुझसे भी कह रहा था वो। ये वही लोग हैं जिसके साथ उसने नशा करना सीखा था। वो
उसके घर के पास ही रहते हैं। ये सब कब शुरू हुआ सर? डॉक्टर के अनुसार कोई 6 महीने से। ओह गॉड, 6 महीने कोई ज्यादा नहीं है, क्लीन होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर जीन पेन? कुछ ज्यादा नहीं, वो खुद भी उससे बाहर आना चाहता है। और हाँ, उसने तुम सबसे माफी मांगी है, कह रहा था वो बहुत शर्मिंदा है। तो शर्मिंदा तो मैं हूँ। He was going through such a rough phase in life, and we were crying about money. Poor guy, he must be going through hell. ये सब नशे की वजह से है। नशे में कुछ पता नहीं चलता, चोरी करना, झूठ बोलना, दिमाग का बस ही नहीं चलता। So can we go and meet him? Not now. Rehab center के कुछ initial procedures हैं। बाद में हम सब साथ में चलें। We come back to school too, sir. You don't know yet. अब उसे स्कूल में वापस नहीं लेंगे क्या सर? लेकिन उसने कहा है कि वो सब छोड़ देगा सर। आई थिंक उसे एक चांस मिलना चाहिए सर। अभी तक स्कूल अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और लेना भी नहीं चाहिए। आई थिंक ही इज बीन पनिश्ड इनफ ऑलरेडी। आई एग्री। सर, लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं? सबकी वजहें अलग होती हैं। मंजीत सेड ही वांटेड टू बी कूल। क्या वो अभी भी ये सोचता है? नहीं, अब तो वो कहता है कि आई हैव द कूलेस्ट फ्रेंड्स, दैट मेक्स हिम कूल। सर, क्या हम उसे लेटर्स लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली। सर, किसी ने मेरे पैसे चोरी कर दिए। व्हाट? मस्ती के हंस।